नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकारी विज्ञापनों में लग सकेंगे सीएम के फोटो। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़े फैसले में कहा कि सरकारी विज्ञापनों में राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रियों के फोटो छप सकेंगे। पिछले साल सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीरों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तस्वीर का इस्तेमाल हो सकता है। इसके खिलाफ कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की और कहा कि राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की तस्वीर के इस्तेमाल की इजाजत होनी चाहिए। केंद्र ने भी राज्यों की इस मांग का समर्थन किया था। कश्मीर में मुठभेड़, दो आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले में चल रही मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल एनएन जोशी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में गोपनीय सूचना मिलने के बाद सैनिकों ने कुपवाड़ा में हंडवारा के बट मोहल्ला में गुरुवार देर रात एक तलाशी अभियान चलाया। जब सुरक्षाकर्मी एक विशेष क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें अब तक दो आतंकवादी मारे गए हैं। समाचार लिखे जाने तक मुठभेड़ जारी थी। समलैंगिकता अपराध नहीं मगर अनैतिक है, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि समलैंगिकता को अपराध की तरह नहीं देखना चाहिए और इस पर सजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सेक्स का चुनाव जब तक अपराध नहीं है जब तक वो दूसरों को प्रभावित न करे। मामले पर बवाल मचने पर होसबोले ने सफाई देते हुए कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं है पर यह हमारे समाज में अनैतिक है। इससे जुड़े लोगों को दंड देने की जरूरत नहीं है, इसे मनोवैज्ञानिक मामला मानते हुए उनका इलाज किया जाना चाहिए। काटी पड़ी घोड़े की टांग, विधायक जोशी न्यायिक हिरासत में। देहरादून में घोड़े से क्रूरता के आरोप में गिरफ्तार भाजपा विधायक गणेश जोशी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दूसरी ओर घायल घोड़े शक्तिमान की इलाज के दौरान टांग काटी पड़ी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा विधायक जोशी से नेहरू कॉलोनी पुलिस थाने में पूछताछ की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष के विधायक को एक झूठे मामले में फंसा रही है। इस बीच ये खबर आ रही है कि घोड़े की टांग विधायक की लाठी से नहीं टूटी। जम्मू कश्मीर में सेना मार्च के अंत तक 4 स्थानों को खाली करेगी। सेना इस महीने के अंत तक श्रीनगर स्थित 212 एकड़ के टट्टू ग्राउंड सहित जम्मू कश्मीर के 4 बड़े स्थानों को खाली करेगी। राज्य में भाजपा के साथ सरकार गठन के लिए यह मुद्दा पीडीपी की मांगों में शामिल था। इस फैसले की घोषणा बीती रात राज्यपाल एनएन वोहरा और उत्तरी कमान के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा के बीच बैठक के बाद की गई। बैठक में मुख्य सचिव बीआर शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि यह सहमति बनी कि सेना की उत्तरी कमान जम्मू विश्वविद्यालय परिसर के पास 16.30 एकड़ जमीन, श्रीनगर टट्टू ग्राउंड में 212 एकड़ जमीन, अनंतनाग के हाई ग्राउंड स्थित 456.60 कनाल जमीन तथा कारगिल के निचले खुरबाथांग स्थित जमीन को जम्मू कश्मीर सरकार को सौंप देगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।